नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल सेलिंग कंपनी एंड वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल सेलिंग एंड मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी शाओमी दूसरा एक कंपनी मीटू के साथ कोलैबोरेट करके अपना नया दो फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है CC9 एंड CC9e। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इस दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो को आगे देखते रहे, उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौमदीप नंदी, टेक में के न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये जो दो नया फोन है CC9e एंड CC9, ये दोनों फोन को लेके बहुत दिन से बात चल रही है कि ये फोन कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है। तो थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में भी लीक्स मार्केट पे आ गया है, जो ट्विटर के थ्रू पे हम लोगों को पता चला है। मुकुल शर्मा ने ऑलरेडी ट्विटर पे इसको पोस्ट कर दिया है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस फोन का कुछ लीक स्पेसिफिकेशन के बारे में जो ऑलरेडी लीक्स हो चुका है। तो दोस्तों पहले अगर हम लोग बात करें जो थोड़ा छोटा वेरिएंट है इसका, मतलब CC9e जो है, CC9 का अगर बात करें तो इसके जो स्क्रीन साइज है वो है 5.97 इंच का, फुल HD प्लस अमोलेड डिस्प्ले विथ 1080x2030 पिक्सल, जिसपे आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट का प्रोसेसर, उसके साथ आपको मिल रहा है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट। इसका अगर बैटरी का बात करें दोस्तों, बैटरी है 3500 mAh का, जो आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों अगर आ जाते हैं इसका कैमरा के साइड पे, तो कैमरा जो है इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, जो सोनी IMX582 चिप सेंसर के साथ काम करता है। इसका जो वाइड एंगल कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल कैमरा, और जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का। इसके साथ साथ इसका जो प्राइमरी कैमरा है CC9e का वो है 32 मेगापिक्सल का। अब दोस्तों अगर इसका प्राइसिंग का बात करें तो इस पे आपको तीन तरह का वेरिएंट मिलता है। एक तो है जो है 6 प्लस 64 GB, जो है 16,100 रुपीज़, 6 प्लस 128 GB, 19,100 रुपीज़, एंड 8 प्लस 128 GB, जिसका प्राइस है 22,100 रुपीज़। अब दोस्तों अगर इसके साथ आप CC9 को कंपेयर करते हो तो CC9 पे थोड़ा बहुत चेंजेस तो आ ही जाता है। तो दोस्तों आप सुन लेते हैं CC9 का स्पेसिफिकेशन, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा जगह पे MI और मीटू मिलके CC9 के साथ CC9 को थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। सो दोस्तों MI का जो CC9 है इस पे आपको मिल रहा है 6.39 इंच का फुल HD प्लस अमोलेड डिस्प्ले, जिसपे है 1080x2030 का पिक्सल, इसके साथ आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट का प्रोसेसर, उसके साथ आपको मिल रहा है एंड्रॉइड 9 का सपोर्ट। अब दोस्तों अगर बैटरी का बात करते हैं तो ऑब्वियसली बैटरी थोड़ा बड़ा है, जिसपे आपको मिल रहा है 4000 mAh का बैटरी, और जो फर्स्ट चार्जिंग है वो है 1027 वाट का फर्स्ट चार्जिंग। दोस्तों अगर कैमरा पे आ जाते हैं तो इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो सेम है 48 मेगापिक्सल का, बट इसपे जो सेंसर लगा हुआ है वो है सोनी IMX586 का सेंसर। इसका जो आपका वाइड एंगल कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का, और इसका जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का। दोस्तों अगर बात करते हैं इसका फ्रंट कैमरा का, तो ऑब्वियसली फ्रंट कैमरा इसका 32 मेगापिक्सल का है, जो दोनों फोन के लिए ही सेम है। अब दोस्तों इसका जो वेरिएंट है, इसमें भी तीन वेरिएंट आपको मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत प्राइसिंग का चेंजेस है। जो फर्स्ट है वो है 6 GB 128 GB का, जिसका प्राइस है 26,200 रुपीज, 8 GB 128 GB इसका है 28,200 रुपीज, और 8 GB 256 GB जिसका प्राइस है 31,200 रुपीज। अब दोस्तों अगर इसका जो फ्रंट कैमरा है, ये जो आप स्क्रीन पर आपको अभी पिक्चर दिख रहा है, उसके हिसाब से ना स्क्रीन पर अभी कोई भी फ्रंट कैमरा आप लोगों को दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये जो फोन है MI सबसे पहले ही CC9 एंड CC9e पे अपना अंडर डिस्प्ले कैमरा, नहीं तो हो सकता है पॉपअप सेल्फी कैमरा लेके आ जाएगा। पॉपअप सेल्फी कैमरा खैर तो पहले आ चुका है, बट हो सकता है कि अंडर डिस्प्ले कैमरा में मी पहले ही इस CC9 और CC9e पे लेके आ सकता है। अब दोस्तों अगर इस दोनों फोन का लोग लॉन्चिंग का बात करें तो ये चाइना के मार्केट पे लॉन्च होने वाला है 2 जुलाई 2019 को। तब देखते हैं कि चाइना के मार्केट पे लॉन्च होने के बाद इंडिया के मार्केट पे जब लॉन्च होता है तब इसका कितना क्रेज रहता है, लोग कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं, और कैसे ये धीरे 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 मार्केट पर अपना पॉपुलरिटी गेन करता है। और हो सकता है कि K20 Pro अगर मार्केट पे
थोड़ा बहुत मार्केट कर लिया तो CC9 और CC9 को भी मार्केट करने का एक चांस रह जाता है। तो दोस्तों जो भी होगा जैसे भी होगा तो पता तो चल जाएगा हम लोग को, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ वीडियो बना के, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों को अपडेट करने का है, तो इसीलिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आईडी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो बस वीडियो को यही खत्म करते उम्मीद करूंगा मेरा जो कोशिश था आप लोगों को CC9 और CC9 के बारे में कुछ बताने का वो सफल हुआ होगा, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे, नहीं तो स्क्रीन पे दिखाए गए इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को पिंग करके पूछ सकते हो। मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपका हर एक वीडियो का जवाब देने का। सो दोस्तों वीडियो को यही खत्म करते उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद है, पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से कोई एक नए वीडियो पे बहुत ही जल्द, शायद हो सकते है कल नया वीडियो लेके आ सकूं या हो सकते है एक दिन का गैप हो जाए, तो जो भी होगा जैसे भी होगा आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।